कि जब पीएम कहते हैं कि एमएसपी आपको मिलेगा तो कानूनी अमली जामा पहनाने में क्या प्रॉब्लम है? बात तो ये है ना, असल इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी प्रोटेस्ट में बैठे या दूसरे देश में जाए, इससे किसानों की ठंड में कोई कमी नहीं पड़ेगी जो सड़क पे बैठे। नहीं नहीं, एक मिनट, थाने बाद में जाना, बाद में बदला लेना। अरे नागिन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्या बदला लेना? अगर बोलने का मौका मिलेगा तो बोलेंगे, वरना आपसे नहीं। आप बोलिए, अगर उनकी आवाज को हम कंट्रोल करेंगे तो फिर वही लोग सवाल उठाएंगे कि विपक्ष की आवाज को कंट्रोल किया जाता है। देश में रोज किसी न किसी मुद्दे पर मीडिया में डिबेट तो होती है, पर अगर इन डिबेट में सवाल सत्ता में बैठे पार्टी से हो तो आज हम आपको हाल ही की डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिनमें सवाल बीजेपी के नेताओं से हो रहे हों और सवाल भी गोदी मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं, जो कि अक्सर होता नहीं दिखाई देता। आज तक पर किसानों की मीटिंग के बाद डिबेट हुई। इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने किसानों की समस्या का समाधान ना होने को लेकर बढ़ती ठंड को देखते हुए बीजेपी नेता से इस मुद्दे पर सवाल किए, जिस पर वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। सोनिया गांधी तो जब चर्चा चल रही थी तब पार्लियामेंट में नहीं थी, राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं थे। उद्योगपति की बात करती है सोनिया गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, उन्होंने स्वागत किया। राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में बैठने से हल थोड़ी निकलेगा सर, बातें तो आप लोग बहुत बर्बाद करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं गौरव जी, आपने कहा हल हम बातचीत से निकाल लेंगे, मुझे ये बताइए असली हल तो तब होगा ना जब एमएसपी किसान को मिलेगा, और उसके लिए आपको ये बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर भी करनी होगी। बात बड़ी सिंपल है, वही बात है जो सड़क पर हर आदमी पूछ रहा है कि जब पीएम कहते हैं कि एमएसपी आपको मिलेगा तो कानूनी अमली जामा पहनाने में क्या प्रॉब्लम है? बात तो ये है ना असल इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी प्रोटेस्ट में बैठे या दूसरे देश में जाए, इससे किसानों की ठंड में कोई कमी नहीं पड़ेगी जो सड़क पे बैठे। नहीं नहीं, एक मिनट, 2006 से 2014 तक 8 साल तक एमएसपी डेढ़ गुना लागू नहीं हुई, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, और जब हमने लागू किया तो स्वामीनाथन जी ने तारीफ। प्राइवेट कंपनी के लिए बाध्यता क्यों नहीं गौरव जी? एमएसपी की बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर क्यों नहीं? एबीपी न्यूज पर बंगाल में हो रही राजनीति को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रूबिका ने बंगाल में बीजेपी नेता के भड़कीले बयान को लेकर डिबेट में मौजूद बीजेपी नेता से सवाल किए, जिस पर वह विपक्ष पर दोष लगाते नजर आए, जिस पर एंकर ने उन्हें दोबारा से टोक दिया। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए ये लोकतंत्र है कि ठोकतंत्र है? दिलीप घोष क्या समझते हैं अपने आप को जब इस तरीके की बातें वो करते हैं? कई बार चीतकार जो है, जब किसी पर घाव लगता है तो चीतकार निकलते समय भाषा जो है वो संवैधानिक होगी, बहुत जो है शालीन होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो दिलीप घोष की भाषा ये निश्चित तौर पर भैया नेता करे तो समझ में आता है, ये कोई छोटा नेता करे तो बात समझ में आती है। प्रेम शुक्ला जी, दिलीप घोष अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के, और वो क्या युवाओं को कह रहे हैं कि हाथ में आप हथियार उठा लीजिए, सारे हिंदुओं को हथियार उठाने की बात कर रहे हैं वो। आत्मरक्षा हथियार उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं यहाँ अगर वो ये बात कहकर रुक जाते तो सर मैं डिबेट ही ना करती कि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना है। वो दो कदम आगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस के पास बाद में जाना, थाने बाद में जाना, बाद में बदला लेना। अरे नागिन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्या बदला लेना? किस बात का बदला लेना? आज तक पर कोरोना वैक्सीन आने पर विपक्ष के बयानों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में जब विपक्ष अपना जवाब दे रहे थे तभी संबित पात्रा बीच में बोलने लगे और एंकर को भी टोकने लगे, पर एंकर ने संबित पात्रा को करारा जवाब दिया। चित्रा जी, ऐसे आप इन लोगों के साथ डिबेट में मत बुलाया करिए। चित्रा जी, कहाँ से थर्ड ग्रेड लोगों को ढूंढ के आप लाते हैं, इनके साथ डिबेट करना पड़ता है, बताइए। इनको अपने आवाज कम करिए, बिल्कुल ऐसा करेंगे तो आप छोड़ दीजिए, बीजेपी को बुलाना बंद कर दीजिए। अगर बीजेपी बोल नहीं सकती है तो आप बीजेपी को बुलाइए मत फिर। चित्रा जी, कैसे डिबेट हो रही है? चित्रा जी, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं चित्रा जी, मुझे लगता है बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। नहीं चित्रा जी, कोई नहीं 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 चित्रा जी, ये जो लड़ाइयाँ आप लोग करवाते हैं ना, आप लोग, मैं तो शांति से इनको सुनता हूँ, आप लोग जानबूझ के आवाज इनकी कंट्रोल करते नहीं है, लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ये लड़ाइयाँ पसंद नहीं है। अगर बोलने का मौका मिलेगा तो बोलेंगे, वरना आपसे लोग सवाल उठाएंगे कि विपक्ष की आवाज को कंट्रोल किया जाता है। एक सेकंड, दो तीन बातें मुझे लगता है जिसका स्पष्टीकरण संबित, एक सेकंड, संबित पात्रा आपसे भी गुजारिश है, और बाकी दोनों जो विपक्ष के, प्लीज आप तमाम लोगों से, सभी लोगों की आवाज डाउन कीजिए, सभी लोगों की आवाज डाउन कीजिए। खैर, गोदी मीडिया ने सरकार से तीखे सवाल करना शुरू तो किया, नहीं तो गोदी मीडिया के तीखे सवाल के निशाने पर ज्यादातर विपक्ष ही नजर आता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।